रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बहुत ही मज़े की ये स्मोकी फ्लेवर की चटनी बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने दो अदद टमाटर ले लिए, मैंने ये स्टैंड पे रख लिया है। अगर आपके पास जाली है कुछ इस तरह की चीज़ है तो आप उसमें रख ले। ये दो टमाटर है मेरे पास, थोड़े से मेरे पास लहसुन है, दो मैंने प्याज ले लिए, चार मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चें मेरी तीखी वाली नहीं है तो इसलिए मैंने चार ले ली। अगर आपके पास तीखी वाली हैं तो आप कम ले लें। मिर्च को अच्छे से आग पे भूनेंगे तो इसका टेस्ट, फ़ौरन तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, अगर तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ये फ़ौरन जो ऊपर से जल जाएगा, हमें अंदर तक जो है लाइट पे कलर चाहिए। दो मिनट लगेंगे, तीन मिनट लगेंगे, हम इसी तरह ये साइडें चेंज करते जाएंगे। प्याज को ज़्यादा टाइम लगेगा और बाकी दो तीन चीज़ें जो वह जल्दी हो जाएंगी। मिर्चें भी जल्दी हो जाएंगी। प्याज में जो है इसका जो आधा कच्चा पक्का बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। टमाटर हमारे जो हैं ये रेडी हो गए हैं, हम इनको ऊपर से जो जलावा छिलका सब उतार लेंगे और अंदर तक ये नरम भी हो चुके हैं। सारी चीज़ों से इसी तरह हम छिलके उतार लेंगे। चाहिए मैंने हल्का फुल्का जो है ये मैचर से मैश कर लिया, लेकिन ये मैचर से मैश नहीं हो रहा तो मैं इसमें ये चॉपर में बहुत लाइट सा मैं वो करूँगी। इसके अंदर मैं इसको हल्का हल्का कूट लूँगी। ये मैंने पीस लिया है और पीस के मैंने एक साइड पे रख लिया। अब मैं थोड़ा सा राई के कुछ दाने, मैंने थोड़ी सी कलौंजी शामिल कर दी, राई दाना शामिल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जो है जीरा और सूखा धनिया, काला नमक और चाट का मसाला, हरा धनिया, ये मैं बेशक इसके अंदर डाल के शामिल करके इसके अंदर डाल दूँ या फिर मैं इसी के अंदर जो है करके मैं डाल के वो कर लूँ, बात एक ही है। तो मैं इसमें मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर देती हूँ।